good morning. So welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well and staying safe. So we are back with another vlog. और आज दिवाली, so wish you a very happy Diwali guys. मैंने कल ये मेहंदी लगवाई थी, इसका रंग काफी बेटर हो चुका है, बट ये अभी और डार्क होने वाली है. एंड आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज मुझे बताना. सो अभी मॉर्निंग में मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, सो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ. चाय पीने के बाद हमें करना है ये काम. देखो कितना ज़्यादा बुरी तरीके से फैला पड़ा है मेरा बेड राइट नाउ. सो मुझे करना है बेडशीट को चेंज, रूम को सही. सो मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ा. सो फाइनली दी रूम इज ओके नाउ. पहले भी आपने देखा था कितनी कचड़ा फैल रहा था रूम में, बट रूम अब मेरा फाइनली सही हो चुका है. आज बिना नहाए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे नहाकर मार्केट. फाइनली मैं नहाकर हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हमें जाना है मार्केट. पर अभी जो है ना मार्केट इतनी लगी ना है. सो फाइनली मैं सारा सामान लेकर घर पहुंच गई. अब करते हैं दिवाली की पूजा की तैयारी. फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ माई दिवाली, मेरे को रंगोली बनाना बहुत पसंद है और मैं अपनी रंगोली बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ. सो दिस वॉज द फाइनल लुक ऑफ माई रंगोली एंड इधर पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है. ये व्यू था ऊपर छत से दिवाली वाली लाइट का एंड बहुत ही अमेजिंग व्यू था गाइस. दिवाली हो और पटाखे ना छूटे ऐसा कभी नहीं हो सकता. फाइनली जो है सारी पूजा हो चुकी है आज की दिवाली की एंड हमने पटाखे भी छुटाए, बड़ा मजा आया उसमें. ऊपर छुटाए थे अभी एंड आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी बनाई हुई रंगोली, हालांकि इस बार इतनी अच्छी नहीं बनी है, बट आई ट्राइड बिकॉज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आपको मेरी शक्ल से भी पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. एंड सी माय मॉम, हैप्पी दिवाली टू हर एज वेल, आई लव हर एंड आई मिस हर अ लॉट. खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको मिलेंगे. आज पापा ने सारे घर में लाइटें 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 लगा दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों लगाई हुई है इतनी, बस बहुत सारी लाइटें लगा दी है. पूरे घर में जगमग 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 हो रही है. सो फाइनली दिस इज माई फूड फॉर दिवाली. और हमारे यहाँ पे खिचड़ी इसलिए बनती है गाइज क्योंकि खिचड़ी पूजी जाती है. रेस्ट मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी एंड पूड़ी एंड दही.